लालकुआ निकटवर्ती हल्दुचौर क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों ने जमकर आतंक मचा रखा है। वहीं हाथियों के आतंक से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है तथा आए दिन जंगली हाथियों से आतंक से गांव वाले भी भयभीत और जान माल का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही किसानों ने वन विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा व बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग की है। बताते चलें कि बीते कुछ दिनों से हल्दुचौर के आधा दर्जन गांवों में जंगली हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचा रखा है, जिसे यहां निवास कर रहे लोग डरे सहमे हुए हैं। हाथियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि शाम ढलते ही हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं तथा जंगली हाथियों ने कई जगह दीवारों को तोड़कर क्षति पहुंचाई है। वहीं हाथियों के खौफ से गांववासी जगराता कर रहे हैं। हाथियों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर ग्राम प्रधान संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी नेगी ने वन विभाग व सरकार से मांग की है कि हाथियों के आवागमन आबादी क्षेत्रों में ना हो, इसके लिए कड़े प्रबंध किए जाएं। जी देखिए, असल में जो मेरा क्षेत्र है तराई पूर्वी केंद्र में आता है, दुमका बंगर बच्ची धर्मा ग्राम सभा है। लगातार पिछले 2 वर्षों से सभी काश्तकार त्रस्त हैं और आज स्थिति ये बन गई है कि लोग चाह रहे हैं कि या तो हमें यहाँ से उठा करके हमारा पलायन करा दिया जाए या फिर हमें एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि हाथी से हम सुरक्षित रह सकें और हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी सुरक्षित रह सके। जिसमें मुझे लगता है कि फेंसिंग, जो कंटेलिंग फेंसिंग शायद कहते हैं, वो बहुत, हाँ सोलर फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी और उसी से हाथी रुक पाएंगे। काश्तकार बहुत परेशान हैं, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती, धान की खेती और आज तो मानी कि जो मैं आज दिन भर काश्तकारों के साथ थी तो जो चारा है वो भी हाथियों ने नहीं छोड़ा है, तो बहुत बुरी स्थिति है। और जी बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि जो इंडियन ऑयल है वो हाथीकारी डोर वाली जगह में ही है और उसको थोड़ा सा यहाँ से हटाना या कहीं और ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जनहानि कभी भी किसी वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है। हाथी ने डेली अपना जो घर है दुमका बंगर बच्ची धर्मा में बना लिया है, तो विभाग से भी और सरकार से भी चाहूँगी कि हाथी का रिडोर खोला जाए और उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। यही हमारी मांग है।